देश के तीन बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक पर लगे हैं सनसनीखेज इल्जाम। कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया है कि देश के तीन बड़े बैंक्स HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक में चल रहा है काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा। कोबरा पोस्ट के खुलासे पर रिजर्व बैंक के साथ संबंधित एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। बैंकों ने भी अपनी अपनी सफाई पेश कर दी है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा रैकेट चला रहे हैं देश के प्राइवेट सेक्टर बैंक? क्या कुछ निजी बैंकों में चल रहा है काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा? काले धन की हेराफेरी का कोबरा पोस्ट ने किया है सनसनीखेज खुलासे का दावा। महीनों की तहकीकात के बाद कोबरा पोस्ट ने देश के तीन बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक पर लगाया है सनसनीखेज आरोप। इल्जाम है कि ये बैंक मनी लॉन्ड्रिंग को जरिया बनाकर बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने में जुटे हैं। कोबरा पोस्ट का आरोप है कि काले धन को विदेश भेजकर सफेद करने के लिए बैंक NRI और NRO खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेनामी बैंक खातों और बीमा पॉलिसियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोबरा पोस्ट का यह भी दावा है कि आरोपी बैंक आयकर विभाग से जानकारियां छुपा रहे हैं और रिजर्व बैंक को भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है। इल्जाम ये भी है कि बैंक के अधिकारी और कर्मचारी ब्लैक मनी के लिए ग्राहक के घर चले जाते हैं और काले धन को गिनने की मशीन घर पर भी लगवा देते हैं। देखिए, ऑपरेशन स्पाइडर है खुलासा HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के ऊपर। ये किस तरह से ब्लैक को व्हाइट करने के लिए तैयार हैं, किस तरह से ये रिपोर्टर जाता है, कहता है नेता का पैसा 5-7 करोड़ रुपए है, उसको ब्लैक में कैसे व्हाइट करेंगे। तमाम तरीके, दर्जनों तरीके बता रहे हैं कैसे व्हाइट करेंगे। खुलेआम बता रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट का क्राइम से बता रहे हैं, छुप कहीं कह रहे हैं। आप वॉक इन कस्टमर, आपको जानते भी नहीं तरीके बता रहे, आपको जानते हो तो पता नहीं क्या तरीके बताते। कोबरा पोस्ट के आरोपों पर ICICI बैंक की सफाई है कि वो अपने कारोबार में नियम कायदों का कड़ाई से पालन करता है। ICICI बैंक ने कहा है कि उसने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है जो 2 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी। HDFC बैंक ने भी कहा है कि खुलासे को गंभीरता से लेते हुए इसकी प्राथमिकता से जांच कराई जाएगी। जब भी काला धन का जिक्र होता है जेहन में स्विट्जरलैंड समेत बाहर के कई देशों का नाम आता है। कहते हैं काला धन वहीं छुपाया जा सकता है, लेकिन इस ऑपरेशन से अब साफ हो गया है कि भारत में भी काला धन को बेहद ही आसानी से सफेद बनाया जा सकता है और तकरीबन तमाम निजी बैंक इसमें शामिल हैं। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।